नमस्कार दोस्तों, आज रीजनिंग का 18वां पार्ट लेकर आया हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग का। तो दोस्तों, ये पार्ट करने के बाद 19 पार्ट करेंगे, जब 19वां भाग करेंगे तो उसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस ये कोडिंग डिकोडिंग का आज एक बार एंड करते हैं, फिर कभी बाद में देखा जाएगा और कोई करेंगे तो क्वेश्चन। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं कि कुछ कोड दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर्स को लेटर्स का कोड दिया हुआ है कोड, और फिर रिवर्स है, उसका ऑपोजिट है, नंबर्स का लेटर्स का कोड है और लेटर्स का नंबर्स का कोड है। देखिए आगे दिखाता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्शन पढ़ लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कोड ईच ऑफ द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स। देखिए, जो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको कोड देने हैं, जिस हिसाब से आपको नंबर दिए गए हैं उस हिसाब से आपको लेटर, जो लेटर जिस डिजिट के साथ रिलेशन उसका है उस हिसाब से आपको कोड देना है। देखिए, पहले 7 का रिलेशन बना रहे, 7 डिजिट है, ठीक है ना, जो डिजिट है, नंबर है, ऐसे समझ लीजिए, 7, 2, 1, 5 ऊपर दिए हुए हैं, उनका रिलेशन किस लेटर से बनाया है, 7 का W से, 2 का L से, 1 का M से, 5 का S से, 3 I, 9 N, 8 D, 6 J एंड फाइनली 4 B, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़े सरल हैं, लेकिन एक बार अचानक आएंगे आपके सामने तो आप एकदम से घबरा जाएंगे। सडनली कोई भी चीज़ आती है तो घबरा ही जाता है, तो आप उसको इसको सीख लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5, 2, 3, 7, 9। अब इतने बड़े नंबर को 52,379 नंबर दे के घबरा जाए ना, कुछ नहीं घबराना। अब आपको क्या करना है, जो पहले में जो 5 है और वो देखिए 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, S, तो आप S लिख दीजिए ऐसे। बस ये ट्रिक ऐसी अपनाइए है ना, ट्रिक के हिसाब से चलिए। 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, L, L, L लिख दीजिए। 3 के आगे I लिखा हुआ है, I लिख दीजिए। 7 के आगे, 7 के नीचे W लिखा हुआ लेटर क्या है, W, तो आप W लिख दीजिए। और 9 के यहाँ आपको क्या मिलता है, N मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए, मैंने एक लेटर इसके गोला नहीं लगाया मैंने, तो उसके गोला लगा देता हूँ, I के गोला नहीं लगाया। आप देखिए अपने पास क्या चीज़ बन के आई, S, L, I, W, N, तो यह आपको किस में मिलता है, B में मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा B, यानी 5, 2, 3, 9, 3, 7, 9 का जो कोड बनेगा वो बनेगा SLIWN। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर के, और अगर आपको आ रहा है तो एक पॉज करके देखिएगा, 184632, तो आप पॉज करके एक बार देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो 1 का आएगा M, बस मैं आप गोला नहीं लगाऊंगा, 1 का M है, आप ऊपर देखते जाइए डिजिट लेटर जहाँ लिखे हुए हैं, और ये हाँ इनको देख लीजिए जहाँ लिखे हुए हैं बस, और 8 का है आपका T, ठीक है ना, और 4 का हो गया B, 6 का हो गया J एंड 3 का हो गया I, 2 का हो गया L, तो MDBJIL, MDBJIL, तो आंसर निकल के आ गया आपका, दूसरे में कौन सा आंसर निकल के आ गया, D, ठीक है, D आंसर हो गया। चलिए तीसरे में चलते हैं, आपका भी सही हो गया होगा, तीसरे में 64928, ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए, बस तरीका यही है इनका लिखने का, फिर आप निकालिए 6 के लिए क्या आया है, J आया है 6 के लिए, B के लिए आपके 4 आए हैं, सॉरी 4 के लिए B आया है, अब 9 है उसके लिए N है, और 2 के लिए L है, और 8 है उसके लिए D। मैंने इस तरीके से बोला ये B और 4 का, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे इसी वीडियो में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो अब बना क्या, J B N L D, तो आंसर हो गया आपका C, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आपका भी सही हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4, 837341 है, तो आपको मिलान कर लीजिए किस हिसाब से बनता है, तो आपका आंसर आएगा, आप इसी हिसाब से चलिए आप, तो आएगा DIWIBM, मिलान करके देख लीजिए क्या आपका सही है,
आपका सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, तो आंसर आएगा बी। मिलान करके देख लीजिए, DIWIBM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 359312, ठीक है। मिलान कीजिए 3 के लिए, 3 के लिए क्या आ रहा है आपका आई, 5 के लिए क्या आ रहा है एस, 9 के लिए एन, 3 के लिए आई, 1 के लिए एम एंड 2 के लिए फाइनली एल हो गया। ISN IML आपको मिलता है डी में, आपका आंसर भी सही होगा। अब चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कोड ईच ऑफ द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ डिजिट एंड लेटर्स। ये देखो उलट गए हैं, पहले क्या था लेटर नीचे थे डिजिट ऊपर थे, अभी डिजिट नीचे हो गए लेटर ऊपर हो गए। अब देखिए ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं DINES दिनेश, KUM कुम कुम, ठीक है ना। तो ये आप एक बार देखेंगे 9 नंबर तक नंबर लिखे हुए हैं, एक बस 00 नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए कैसे है, देशमुन DESHMUN, डी के लिए आया है, पहले लिख के देख लीजिए, सिस्टम से कर लीजिए DESHMUN, तो डी के लिए आया है 8, देख लिया आपने। ई के लिए 1 है, एस के लिए 7 है, एच के लिए 4 है, एम के लिए 6 है, यू के लिए 3 है, एन के लिए 5, तो आपका आ गया 8174635। तो आपका ये कहाँ मिलता है, आपको ये आंसर मिलता है डी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका आंसर डी हो गया, आपने ये समझ लिया होगा। पर इसी तरीके से आगे के प्रश्न होंगे तो उत्तर भी इसी तरीके से निकाल लें। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, SHKNUDI आप मिला लीजिए। एस के लिए आपका 7 है, एच के लिए 4 है, के लिए 9 है, एन के लिए क्या है 5 है, यू के लिए 3 है, डी के लिए 8 है और आई के लिए 2 है। अब देखिए आपको ये आंसर मिल कहाँ रहा है, ये आपको आंसर कहाँ मिल रहा है भाई, देखो आप ये सी में मिल रहा है आपको आंसर, सी में 7495382, तो आपका आंसर होगा सी। अब 8th क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, थोड़ी देर आप सोचिए और कीजिए, कर रहे हैं ठीक है। चलिए मैं आंसर भी बता देता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, आपको खुद को लिखना है और देखना है। चलो आपने पॉज करके देख लिया, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 8th का आंसर आएगा सी, सी है 527-3826। देखिए चलो मैं करके बता देता हूँ, एन का देखिए ऊपर एन का 5 है, आई के लिए 2 आया है, एस के लिए 7 आया है, यू के लिए 3 आया है और डी के लिए आपके 8 आया है, ई के लिए आई के लिए 2 आया है और एम के लिए 6 आया है, हो गया 527-3826। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अब ये कोडिंग डिकोडिंग को छोड़ के आगे हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे और फिर कभी देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कोई भी वीडियो आप देखें तो शुरू से देखना शुरू करें और अंत तक देखें। मैंने एक बात आपको और बताई है कि इससे पहले जो 17 वीडियो हैं, 17 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए, रीजनिंग में आपको फ़ायदा होगा। हिंदी के वीडियो हैं मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी के वीडियो मिलेंगे, इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे, RIE के लिए स्पेशली खूब मटेरियल पड़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड RIE CEE PTET किसी भी स्टेट की जो टीचिंग से संबंधित एंट्रेंस एग्ज़ाम है BEd के लिए, BSc BEd, BA BEd, MEd के लिए, तो वो आपके लिए काम आएगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी, यूज़फुल होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।